कराची पहुंचते ही मुझे बहुत खूबसूरत ये फूलों का गुलदस्ता जो पेश किया गया और बहुत खूबसूरत है ये, और ये मुझे खान जी ने दिया, खान जी ब्लॉग ने बनाए नहीं, ठीक है। अभी गजरे भी पहनाने वाले, मेरे ख्याल में गजरे शाम को पहन लूंगी। अभी मैंने फ्रेश फ्रूश होना है, नहाना धोना है बिल्कुल, गर्मी से मेरी मत मारी हुई। तो ये देखें कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत बुरा हाल हो गया गर्मी के साथ, मरने वाली होगी मैं। और फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी ऐसे, वो इकॉनमी क्लास में ना, तो डिटेल बाद में बताऊँगी। अभी हम लोग फैसलाबाद उतर गए हैं, यहाँ से एसी वाले डब्बे लगेंगे और फिर हम लोग उसमें बैठेंगे, तो वहाँ चल के बात करते हैं। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। कैसे हैं आप सब। अभी जो है रावलपिंडी से हम लोग निकल रहे हैं, ये ट्रेन जो है स्लो 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 जा रही है, तो जो कि आ रहे हैं कराची। और आपको पूरा जो ट्रेन का भी रिव्यू देंगे कि सफ़र कैसा रहा और कैसी थी ट्रेन, पूरी डिटेल इस ब्लॉग में बताएंगे। तो चलें अभी निकलते हैं यहाँ से। ये देखें स्टेशन से निकल रहे हैं कराची के लिए, तो इंशाल्लाह आज दोपहर 1:30 बजे निकलें, पूरे पूरे टाइम पे चलिए 1:30 बजे, तो इसका टाइम जो है वो फिक्स है 1:30 बजे निकल गई। तो इंशाल्लाह आपको पूरा जो है रास्ते का सफ़र जो जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। इकॉनमी क्लास कुछ इस तरह से है, ये देखें इसमें सिंगल सिंगल सीटें होती हैं और ऐसे, और देखिए बारिश। अभी फैसलाबाद तक जाएंगे, बस फैसलाबाद पहुँचने में 2 घंटे और। ट्रेन बगैर किसी स्टॉप के रुक की है, पता नहीं 10 मिनट रुकेगी या कितनी देर। अभी हम इकॉनमी में, लेकिन ये फ़ैन चल रहा है, लेकिन इससे कोई हवा नहीं आ रही। इकॉनमी में बिल्कुल सफ़र ना करें, आपको इकॉनमी का रिव्यू मिलेगा। उसके बाद हम एसी वाली में शिफ्ट हो जाएंगे फैसलाबाद से, फिर उसका रिव्यू देंगे कि वो कैसी रही। ये इकॉनमी तो बस बुरा हाल है। तो गाड़ी रावलपिंडी से निकली ट्रेन, तो ये 2 घंटे में पहुंच गई थी झेलम, और जो पहला स्टॉप था इसने झेलम में किया। अभी ये झेलम में रुकने वाली है बस 1-2 मिनट में, तो आपको बताएंगे कि इसने कितने घंटे में हमें पहुँचाया और इसका सफ़र कैसा रहा। और अभी ये झेलम आ गया, ये आपको दिखाता। ये रहा झेलम का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अभी बस यहाँ कितना स्टॉप करेगी वो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा जी, तो झेलम से गाड़ी अभी निकल पड़ी है, यहाँ पे बिल्कुल इसने शॉर्ट स्टॉप किया है, तकरीबन 1-2 मिनट का बस। हमने खाना ऑर्डर किया है, मुझे भूख लग रही थी, हमने लिया बिरयानी, साथ में दाल है, रायता है। तो ट्राई करते हैं कि कैसी है, और ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। फिर देखें व्यूअर्स, एक तो इसको मोटे वाले चावल लगे हुए जो हम लोग नहीं खाते, और ये चिकन देखें कच्चा बेकार, ये रायता जो ना ख़राब था इसमें से स्मेल आ रही है। लेकिन ये चावल थोड़े से हमने खाए बस रो पिट के, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर कोई आए तो अपना खाना लेके आए, मुझसे तो गलती होगी, लेकिन हो सकता है बिजनेस क्लास में अच्छा खाना मिल जाए। इकॉनमी क्लास का खाना था शायद इसलिए ऐसा है, तो आप बिजनेस का ट्राई करेंगे कि वहाँ का कैसा है। ठीक, ये इकॉनमी क्लास का वॉशरूम है जी, ये रहा वॉश बेसन, लोटा, और ये वो है कमोड वाला, बस छोटा सा वॉशरूम है। और भाई ये देख, ये है फैसलाबाद का स्टेशन, ये पीछे खड़ी है ट्रेन। अभी ये 5 नंबर डब्बा है हमारा, 6 नंबर डब्बा लगेगा, उसमें हम लोग बैठेंगे। ये रहा मेरा सामान, फैसलाबाद से हम लोग ट्रेन में बैठ गए, अभी ट्रेन निकली है यहाँ से, ये देखूँगा। और आते ही हमें जूस मिला, रहता शायद खाना मिलेगा इसलिए। यहाँ पर हमें खाना मिला, ये थी चिकन दाल, शामी कबाब था, साथ में ये स्वीट में रसगुल्ला, नगेट्स, नान और पुलाव और रायता। खाना बहुत मज़े का था, वाकया में मज़े का खाना था। ये है एसी वाले कैबन, ये ऐसे कैबन है, सब 6 लोग इनमें जाते हैं। और ये बाहर गली है, और इसमें ये चेयर भी बनी हुई है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और अभी गाड़ी खाने वाली खड़ी हुई है, ठीक है, अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, तो अंदर का रिव्यू मैं सुबह में दूंगी। और ज़बरदस्त है, एसी भी ठीक है,
अभी ये बस वाइट का देख ले। मॉर्निंग, हमारी अगली सुबह हो गई है और यहाँ पे हमें मिला है ब्रेकफास्ट, जिसमें ये अंडा है, साथ में जाम और ये बटर है और स्लाइस हैं। ठीक है, ये ब्रेकफास्ट है, ये ट्रेन वालों की तरफ से, इसको ट्राई करेंगे फिर बताएंगे कि कैसा था। अच्छा, ये जो कैबिनेट इस तरह से है, ये एक ऊपर बर्थ है, एक यहाँ पे दरमियान में, एक ये नीचे वाला, और वहाँ पे सामने ये मिरर लगा हुआ है और ये LCD है। ठीक है, और ये नीचे काफ़ी स्पेस है सामान रखने के लिए, और यहाँ पे एक ये टेबल है और चार्जर के लिए भी नीचे इधर यहाँ पे जगह दी हुई है। तो यहाँ से ट्रेन जा रही है, देखिए, और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हैदराबाद के करीब। अभी दूर है। ये कौन सा आया? टंडो आदम आया था। इसे हैदराबाद दूर है? ऐसे डेढ़ घंटा है। अभी डेढ़ घंटा हैदराबाद का, तो ये बाहर का सीन, डेढ़ बजे तक। देखें बाहर लोगों के घर, और ये इधर की जो ज़मीनें हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अभी आबाद ही नहीं की। रास्ते में बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारे खेत भी आए, और उसके मैंगो के भी हैं और उसके बनाना के भी। ये देखिए, ये कोई छोटा स्टेशन, और ये गाड़ी ज़बरदस्त है, छोटे स्टेशन पे नहीं रुक रही, बस शॉर्ट शॉर्ट इसने जो बड़े स्टेशन है उस पर ही स्टे किया, तो अच्छे से जा रहे हैं। और बिजनेस क्लास जो एसी वाला ये डिपार्टमेंट है, इसका खाना भी बहुत मज़े का था, यहाँ आके मैंने पेट भर के खाना खाया, और वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल सही, कमोड वाला भी है, दूसरे वाला भी है इसमें। और ये बाहर देखें खेत लोगों के, ये जो है ये बनाना का बाग, ये पूरा बाग है ये बनाना का, ये वाला। ठीक है, अभी को मैंगो का भी आएगा, मैं वो भी दिखाती हूँ। अभी ये देखें ज़बरदस्त किस्म का, सही फुल भर के वो लगा हुआ है, ये कोई और पट्टे वगैरह आ गए, जैसे मक्की होती है वो चीज़ें। तो ये हरियाली, ये मुझे बहुत पसंद है, हरियाली और पहाड़ वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी जाते जाते इसको हम देख रहे हैं, तो अभी टाइम दिन का है, तकरीबन 11 बजने वाले हैं, हम तकरीबन 1:30-2 बजे तक कराची पहुंचेंगे मेरे ख्याल, इसके बाद हैदराबाद आएगा। चले मिलते हैं फिर। ये हैदराबाद का स्टेशन है यहाँ पर, हैदराबाद। अभी हम हैदराबाद पहुँच गए, टाइम 11:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेंगे कराची पहुँचने में। ये कराची के पहाड़ हैं, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, ये वो वाले नहीं हैं पथरीले, ये मिट्टी वाले हैं। इनको मेरे ख्याल में ये लोग टीले बोलते हैं, टीले, मिट्टी के टीले। तो गुजरते हुए बड़े प्यारे खूबसूरत लगते हैं ये भी, ये देखें, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर ना, ये देखें यहाँ पर ही लगाए गए, ये बिजली पैदा करते हैं कराची के रास्ते में, तकरीबन कराची के पास ही हैं मेरे ख्याल में, थोड़ी देर में हम जो कराची पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरफ से हम लोग कराची की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और अभी तक हमें 24 आवर हो गए, क्योंकि 1:30 बजे कल निकले थे और आज 1:24, अभी घंटा और लगेगा, यानी 25 आवर रावलपिंडी से कराची तक। और फाइनली देखते हैं कि घंटा लगता है या 1.5 लगता है, ये तो पहुंचेंगे तो पता चलेगा। अभी बस कराची की हदूद में दाखिल हो गए 24 आवर में। तो अभी हम खैर भी ऐसे थोड़ी देर में कराची पहुंचने वाले हैं स्टेशन पे, और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कौन रिसीव करने आया, और आप सबसे भी मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। देखे मुझे यहाँ पे कौन लेने आया है।
हर जगह पहुंच जाती है। यहाँ पे मुझे खान जी लेने आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। साथ में ये गुलदस्ता भी लाई है, अभी यही पकड़े ना वजन जरा, कोई बात नहीं, मेरी अपनी गाड़ी मैं बाद में पकड़ती हूँ, ठीक है। मैंने ही पकड़ा था, मैंने कहा चल मैं वीडियो जरा एक क्लिप ले लूँ। ये खैर खरीत से यहाँ पहुँच गए हम लोग और अभी इसके साथ जा रहे हैं, और ये कहाँ फेंकेगी मुझे नहीं पता, मेरे घर जाओगे कहीं। तो चले मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टेशन से निकल के, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी खान जी के साथ जा रहे हैं और हमें लगे 26.5 घंटे ना, 26 घंटे और आधा घंटा इतना टाइम लगा इस्लामाबाद से कराची पहुंचने में। तो बाकी सफ़र ठीक था, ट्रेन भी ठीक थी, एसी बस थोड़ा सा कभी वो स्लो हो जाता था, बाकी ज़बरदस्त रहा। जो कानवी में था वो थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वो ख़राब था, आगे का बिल्कुल अच्छा गुजरा। हो जाए जी। तो व्यूअर्स फाइनली हम खान जी के घर पहुंच गए, ये रही चीज़। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। ये रहे इसके माशाल्लाह दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, माशाल्लाह। तो यहाँ पे जबरदस्त एसी शेसी चल रहा है, सुकून हो गया माशाल्लाह। यहाँ पे आके सुकून हो गया, गाड़ी में भी जब एसी वाले केबिन में चले गए तो सुकून था, लेकिन इतना अच्छा नहीं एसी, जब रुकती थी तो उसको बंद कर देते थे, जब चलती थी तो फिर उसको चढ़ा देते, ऐसा रहा है। सही है, बस अल्लाह खैर करे से इनको उनकी मंजिल में पहुंच गए ये लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेरे घर पे आए, मुझे इस काबिल समझा। बाकी ये काबिल वाली कोई बात नहीं, सब इंसान एक जैसे होते हैं, ऐसे इंसान के तल्लुक बनते हैं, ऐसे इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, वो बात नहीं। आप मेरी छोटी बहन है, तो अभी यहाँ पहुंची, इनसे मिली, बहुत अच्छा लगा, मुझे लेने गई और फिर यहाँ आ गए, ठीक है। तो अभी बस यहाँ से फ्रेश फ्रूश होंगे और उसके बाद हमारे वो पार्टी के आने हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो अभी तक पार्टी सरप्राइज है मेरी सब ऑडियंस को, और सरप्राइज हम आज रात को खोलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज रात को, आज 30 तारीख है, आज ही मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और आज ही पार्टी है। ये व्लॉग मैंने ट्रेन से स्टार्ट किया था, इसमें सारा वो ट्रेन का मैंने रिव्यू दिया ना, जबरदस्त कि ट्रेन कैसी, इकोनॉमी की कैसी थी, फिर उसके बाद एसी वाली कैसी थी, फिर अभी हमें लेने कौन आया, हम किसके पास पहुंच गए, और उसके बाद जो भी यहाँ से रेडी होंगे और इसके साथ ही फंक्शन में जाएंगे, फिर आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाएंगे। और मेरा इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो खान जी के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अभी तो एंड ही हो गया, यहाँ तक पता नहीं किसी ने देख रहा है कि नहीं देखना, फिर भी मैं दे देती हूँ, लेकिन कल वाले व्लॉग में मैं फर्स्ट में दूंगी। अभी तो बहुत आंटी को बहुत सारी सपोर्ट करनी है, अभी तो बहुत लेट हो गया व्लॉग, आगे चला गया, आगे बहुत। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, इसके चैनल पे भी जाइएगा, ठीक है, इसको भी सपोर्ट कीजिएगा, आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है इनको भी। तो इसी के साथ मैं और खान जी आपसे चाहेंगे इजाजत और मिलेंगे नेक्स्ट, हमारे 2-3 व्लॉग तो आ ही जाएंगे साथ में इंशाल्लाह, हम इतने तो बनाएंगे अभी। नहीं, और नहीं, अभी आंटी का मैं टिकट कैंसिल करवाने वाली हूं, टेंशन नहीं, अभी मुझे आवाज मुश्किल से मेरे हाथ चढ़े हैं, इंशाल्लाह अभी मैं इनको 3-4 दिन घुमाऊंगी गाड़ी में। तो इंशाल्लाह ये लोग आते थे, अभी फर्स्ट टाइम मेरे से मुलाकात हुई है, अभी इनको घुमाना फिराना करना, इनकी टिकट मैंने करवानी है हफ्ते की, देखते हैं जी कितने दिन, वैसे मैं वापसी की टिकट लेके आई हूँ पर हम कैंसिल करवाएंगे, चलो देखते हैं क्या होता है वो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉगों में आप सबको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी इसमें चाहेंगे इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।